नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेस। देखिए दोस्तों, यहाँ कितनी शानदार बात लिखी है, अपने आप को खुद ही पुश करना पड़ता है। यानी कि यहाँ बात की जा रही है, अगर किसी काम को आपको करना है तो हमको किसी के द्वारा ऐसे महसूस नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद नहीं किया जाना चाहिए कि कोई हमको धक्का लगाएगा या हमको पीछे से कोई पुश करेगा। जब भी हमको कोई काम करना है या किसी भी प्रकार से कोई काम करना है तो हमको जो पुश करने की बारी आएगी तो वो हमको खुद को करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए ऐसा रेगुलर काम नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ देखिए, जैसे मान लो उठाने, अगर मॉर्निंग में उठने का काम है, तो सुबह 4 बजे क्या होता है, लेक्चर आता है, तो 4 बजे उठने को तो मैं बोल दूंगा, एक दिन बोल दूंगा, मतलब एक दिन मैं उठा दूंगा, दूसरे दिन भी उठा दूंगा, तीसरे दिन भी उठा दूंगा, परंतु उसके बाद मैं नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये रेगुलर काम मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार से। तो ये जो सारे काम है, जब भी आपको किसी प्रकार का कोई काम करना होता है तो आपको खुद ही क्या करना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा खुद को, अपने आप को। यानी कि अगर आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते है या फिर आप ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए आपको या फिर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको एक कंफर्ट जोन से, यानी कि जो आपका आरामदायक वाला मामला है या आरामदायक वाली जो स्थिति है, उससे बाहर निकल कर आना पड़ेगा और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आप जो है कुछ जिंदगी में सीख पाएंगे। मतलब किसी के द्वारा, जैसे मान लो मेरे द्वारा किसी काम को, या फिर मैं आज बोल सकता हूँ आपको भाई 8 घंटे पढ़ो, कल आप 9 घंटे पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप 10 घंटे पढ़िए, तो ये चीज़ें मेरे द्वारा या फिर माता पिता यानी कि पेरेंट्स के द्वारा एक लिमिट तक बोली जाती है, फिर उसके बाद वो आप नहीं सुनोगे तो वो खुद बोलना बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो आदत होनी चाहिए, हम खुद ही उसको बना सकें या हम अपने आप को खुद को मोटिवेट कर सकें, तब मज़ा आएगा। नहीं तो क्या होगा, मेरे द्वारा पुश करने पर उतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि आप खुद पुश करोगे। मेरे द्वारा तो क्या है, ढकेल ढकेल के काम कराया जाएगा, परंतु अगर आप खुद ही क्या हो गए, मोटिवेट हो गए हैं या फिर आपके अंदर खुद जोश आ गया है, तो आपके पास वो वाले जो पुश है, आपके द्वारा जो खुद जो पुश किया गया है, उसमें जो मजा रहेगा उसके अलावा आपको किसी में मजा नहीं आएगा और आप आपकी जो मंजिल है उसको आसानी से प्राप्त कर सकोगे। और नहीं तो फिर क्या है, टाइम तो पास हो ही रहा है तो आपको टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है, आज ही से लग जाइए मेरे साथ। हालांकि आप एकदम से नहीं उठोगे, सुबह 4 बजे उठने की बारी करो या फिर आप पढ़ने की, तो अगर आपकी आदत नहीं है तो आप शुरू में क्या करो, 4 घंटे पढ़ो, फिर आप 5 घंटे कर सकते हैं, इस प्रकार आप बढ़ा सकते हैं। और सुबह उठने की बात अगर आती है तो आप सुबह क्या है, जैसे अगर 4 बजे एक साथ नहीं उठ सकते तो आप पहले 5 बजे उठो, 5 बजे के बाद आप धीरे धीरे 15-15 मिनट डेली का बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक दिन आपकी आदत बन गई तो आपको किसी के भी द्वारा पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसमें हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखते हैं और पिछले डे के क्वेश्चन के आंसर भी देखते हैं, जिसमें करंट अफेयर देखते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल, PIB, AIR न्यूज, उसके अलावा इंपॉर्टेंट पर्सन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपके लिए क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होता है। ये सारी चीजें हम कैसे पढ़ते हैं, पहले तो आपके सामने एक क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन के बाद उसका डिस्क्रिप्शन के साथ में कंप्लीट आर्टिकल डिस्क्राइब किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहली चीज क्या होती है, एक लेक्चर के स्टार्ट में क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन दिए हैं तो इनका आंसर आपको देना है। देखिए 15 सेकंड के लिए आपको वीडियो को पॉज करना है और इन क्वेश्चन के आंसर को सोचना है दिमाग में। हालांकि अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं पॉज नहीं करता हूँ। यहाँ देखिए, पहला जो क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई, तो प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757 को। आप इसकी बात अगर करें तो प्लासी की लड़ाई का जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ी गई थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व है किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, और बंगाल के जो नवाब है सिराजुद्दौला, इसको इन्होंने पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा जनगण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, तो ये कब अपनाया गया था। देखिए, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, तो यहाँ 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के गायन की अवधि, तो राष्ट्रगान के गायन की अवधि 2 प्रकार की होती है, यानी कि कंप्लीट अगर हम गाएं तो 52 सेकंड लगते हैं, कभी कभी हम संक्षिप्त में भी गाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है 20 सेकंड उसको लगते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गीत को पहली बार यानी कि जो राष्ट्रगान है उसको पहली बार कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के 2रे दिन गाया गया था, तो यहाँ देखिए इसका जो राइट आंसर है कब, 27 दिसंबर 1911 को। अब जो लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस का, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, यानी कि जो राष्ट्रीय गान है वो है अमार सोनार बांग्ला, और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे कवि है दुनिया में, पहले कवि है जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर।
चलिए पहले देख लेते पिछले डे के क्वेश्चन के आंसर। देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उनके क्वेश्चन के आंसर देखें यहाँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, जम्मू कश्मीर में स्थित आपको दर्रे बताना, दर्रे यानी कि पास। अब पास क्या होते हैं, आपने देखा होगा पर्वत, पर्वत होते हैं, पर्वतों की श्रृंखला भी हो सकती है, तो परंतु दो पर्वत के बीच में एक रास्ता होता है, मतलब नीचे ऐसे ढलान वाला, तो इसे हम बोलते हैं पास। मतलब जो दो जगह को कनेक्ट करता है आपस में उसे हम बोलते हैं पास। तो पास यानी कि दर्रा। तो यहाँ बताना जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं। देखिए काराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा है, पीरपंजाल है, बनिहाल है और बुज़दिल दर्रा है। तो ये इतने प्रकार के दर्रे यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गया था, यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश के दर्रे आपको बताना है। तो यहाँ देखिए क्या क्या है, सिपकिल्ला, रोहतांग और बारालाचा। तो ये जो है आपके तीन यहाँ पे दर्रे मिलेंगे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में मिलेंगे कौन कौन से, उत्तराखंड की अगर बात करें तो देखिए लिपो लेक है, माना है और नीति दर्रा है, तीन दर्रे यहाँ पे मिलेंगे। सिक्किम में कौन कौन से है, एक तो है नाथुला और एक है जैलपला। तो ये दो दर्रे यहाँ मिलेंगे आपको। और अब लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, बोमडिला, यांग्याप एवं दिफू दर्रा, ये जो है भारतीय मतलब कौन से राज्य में स्थित है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश, मतलब जो पूर्वी राज्य है हमारे, सात राज्य है पूर्वी, मतलब जो सिक्किम है उसको मिलाकर अगर देखें तो आठ है। आप देखते हैं हम आज के जो करंट अफेयर है उनको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है, देखिए ये कौन है, ये संजय मिश्रा है, इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक। इनके बारे में यदि हम देखें, देखिए प्रवर्तन निदेशालय को हम एक प्रकार से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोल सकते हैं, यानी कि फुल अगर बात करें यहाँ तो प्रवर्तन निदेशालय को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट इस नाम से बुलाया जा सकता है। और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसके अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर, नई दिल्ली के अंतर्गत है। और संजय मिश्रा को यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंतरिम निदेशक का पदभार यहाँ संभाला उन्होंने, और अगले तीन माह तक ये रहेंगे, मतलब जब तक कि नए निदेशक की नियुक्ति न की जाए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नवंबर 2018 को सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है, ये दिल्ली के अंतर्गत किया गया है। दिल्ली में किसके द्वारा किया गया है, जो मुख्यमंत्री वहाँ के अरविंद केजरीवाल, इनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। और इसके बारे में यदि हम देखें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी पर बनाया गया बहुप्रतीक्षित सिग्नेचर ब्रिज, ये जो है 4 तारीख को उद्घाटन हुआ और 5 तारीख से 2018 से आम जनता यानी जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए खोल दिया गया है। और इस परियोजना के पूरा होने से उत्तर और उत्तर पूर्वी दिल्ली के बीच यात्रा का जो समय है वो काफ़ी कम हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल यानी कि जो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने 4 नवंबर को इसका उद्घाटन किया है और 2004 में इस प्रोजेक्ट का शुरू किया गया था। अब 2004 यानी कि अभी की डेट में आप देख सकते हैं 14 साल हो गया है, तो मतलब बहुत धीरे काम हुआ, एक तरीके से टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। और ब्रिज की जो लागत आई है 1,518.37 करोड़ रुपये आई है टोटल मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एवं किस देश के प्रतिनिधियों के मध्य हाल ही में तुर्गा पनबिजली समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। तो देखिए आपके सामने, देखिए यहाँ पे हमारा प्यारा भारत का झंडा फ्लैग जिसे हम बोलते हैं, और यह है जापान का। तो ये किया गया है किसके मध्य, जापान के मध्य किया गया है, भारत और जापान के मध्य। देखते हैं इसके बारे में, तो जो भारत और जापान के प्रतिनिधियों के मध्य यहाँ पे 1,817 करोड़ रुपए का पनबिजली, जो तुर्गा पनबिजली समझौता है उस पर हस्ताक्षर किया गया है। और समझौता जो है तुर्गा पनबिजली परियोजना के लिए किया गया है। इस परियोजना के तहत तुर्गा पंप डस्टोरेज पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जाएगा, और पनबिजली परियोजना के पूरा होने के बाद पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास तथा जीवन यापन स्तर में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्युत की मांग को पूरा करना। और भारत और जापान के बीच अगर संबंध की बात करें तो 1958 से द्विपक्षीय संबंध है और काफ़ी अच्छे रहे अभी तक। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में काफ़ी वृद्धि हुई है, और इससे दोनों देशों के सामरिक, आर्थिक तथा वैश्विक सहयोग को भी काफ़ी सुदृढ़ता देखने को यहाँ पर मिली है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है, धर्म गार्जियन 2018, ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो आपको यहाँ राइट आंसर बताना, हमारे भारत के स्टेट के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है, कहाँ पे, ये मिजोरम के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि मिजोरम आसपास किस किस जगह से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, यानी कि स्टेट भी हो सकता है हमारे भारत के और कोई अन्य कंट्री भी हो सकती है। तो आपको राइट आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। अब आगे देखते हैं धर्म गार्जियन के बारे में, देखें यहाँ पे हम, तो भारत और जापान जो है सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि धर्म
गार्जियन। अब आपको याद रखना प्रथम है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रथम है जिसका नाम क्या है धर्म गार्जियन 2018। इसका आयोजन यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है मिजोरम के अंतर्गत। तो ये कहाँ कब से कब तक चलेगा 1 नवंबर से 14 नवंबर टोटल मिलाकर यहाँ पे हम देखें तो 14 दिन और 2018 तक ये मिजोरम के बेरेंटे में स्थित काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर स्कूल में ये जो है जो अभ्यास है सैन्य अभ्यास वो आयोजित हो रहा है। और इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ये भाग ले रहे हैं। भारत और जापान की सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार यह संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है। एक तरीके से इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से दोनों देशों के बीच आपसी संबंध बेहतर होंगे और तथा आतंकवाद के विरुद्ध यहाँ लड़ने से भी यहाँ सहायता मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा का ग्रहों की मतलब नासा का जो एक टेलीस्कोप है ग्रहों की खोज करने वाला केपलर स्पेस टेलीस्कोप मिशन ये समाप्त हो गया है। तो ये लॉन्च कब किया गया था ये क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा गया है। तो इसको लॉन्च कब किया गया था 2009 में मतलब अगर यहाँ बात करें हम तो लगभग 9 साल बाद ही रिटायर हो रहा है। और मतलब टेलीस्कोप जो है 9.6 ईयर स्पेस में रहा और 5,30,506 तारों का अवलोकन किया। इसमें से 2,663 ग्रह की पुष्टि की गई और केपलर टेलीस्कोप 6 मार्च 2009 को लॉन्च किया गया था। इस टेलीस्कोप में उस वक्त के हिसाब से सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगाया गया था। यह यान अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नासा का एक अंतरिक्ष यान है। इस यान का काम सूरज में अलग किंतु उसी तरह से अन्य तारों के इर्द गिर्द ऐसे ग्रह सौर जो गैर सौरीय ग्रह है उनको ढूंढना जो कि पृथ्वी से मिलते जुलते माने जाते हैं। तो याद रखना है नासा का टेलीस्कोप है ये जो कि रिटायर हो चुका है 9 वर्षों के पश्चात यानी कि 2009 में इसे लॉन्च किया गया था और अभी 2018 यानी कि 2018 में रिटायर होने वाला है। आगे देखते हैं 11वें ग्लोबल कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली यानी कि भारत की हमारी राजधानी नई दिल्ली के अंतर्गत ये किया गया। और इसके बारे में यदि हम देखें तो वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट 2018 इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और 2 दिवसीय था ये। इसका मुख्य विषय था इस बार का किसानों को बाजार से जोड़ना यानी कि कनेक्टिंग फार्मर्स टू मार्केट। और इसका आयोजन कृषि एवं विज्ञान जो किसान मंत्रालय कल्याण मंत्रालय है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद जिसे हम ICFA इसके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत और म्यांमार के बीच राष्ट्रीय स्तर की 22वीं बैठक कहां संपन्न हुई। तो देखिए यहां पे म्यांमार की राजधानी भी यहां दिख रही नयपीड़ा तो परंतु यहां पे नहीं किया गया तो ये किया गया है कहां पे ये किया गया है नई दिल्ली के अंतर्गत हमारे भारत की राजधानी के अंतर्गत। तो देखिए ये 22वीं जो बैठक है नई दिल्ली के अंतर्गत संपन्न हुई और इस बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया जो गृह सचिव हमारे राजीव गौबा इन्होंने किया। और बैठक में दोनों देशों ने अपने अपने भूभाग में सक्रिय उग्रवादी समूह के विरुद्ध कार्रवाई करने पर भी सहमति व्यक्त की है। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा सहयोग प्रदान करने और लोगों के आवाजाही और व्यापार में सहायता देने के लिए यहाँ पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नई दिल्ली में इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी नामक पहल की शुरुआत की ये निम्नलिखित में से किसके उपलक्ष्य में की गई थी। तो यहाँ पर देखिए किसके उपलक्ष्य में की गई यहाँ पर अगर देखें हम तो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसका जो है इसकी शुरुआत की गई। और इसके बारे में हम देखें यहाँ तो इस पहल के अंतर्गत दिव्यांग जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनको कृत्रिम अंग निःशुल्क वितरित किए जाएंगे तथा विश्व के अनेक स्थानों पर कृत्रिम अंग फिटमेंट कैंप आयोजित किए जाएंगे। प्रारंभ में 12 देशों में कृत्रिम अंग फिटमेंट कैंप आयोजित किए जाएंगे जो पूर्णतः विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा निःशक्त लोगों को शारीरिक आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करना है। आगे देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो अनिल काकोडकर है जो कि एक भारतीय नाभिकीय वैज्ञानिक तथा मैकेनिकल इंजीनियर थे उन्हें जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि हम अगर देखें यहाँ पे तो पद्म विभूषण की बात कर सकते हैं। तो पद्म विभूषण उनको कब प्रदान किया गया तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है 2009 में उनको प्रदान किया गया। इसके बारे में अगर देखें हम तो इनका जन्म जो हुआ था 1943 में हुआ था और ये भारतीय नाभिकीय विज्ञान तथा मैकेनिकल इंजीनियर थे। यह परमाणु ऊर्जा आयोग जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष तथा भारत सरकार के सचिव पद पर भी रहे। 1996 से 2000 तक भी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसके निदेशक के पद पर भी रहे और 2009 में उन्हें जो पद्म विभूषण यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से यहाँ सम्मानित किया गया। भारत के नाभिकीय परीक्षणों
में संप्रभुता प्राप्ति, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अलावा काकोत्का थोरियम आधारित उन्नत भारी जल संयंत्र पर भारत की जो आत्मनिर्भरता इसके समर्थक थे, जिसमें प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में प्लूटोनियम का उपयोग होता था। तो ये है इंपॉर्टेंट पर्सन, इनसे संबंधित आपको थोड़ी सी डिटेल याद रखना है। आप देखते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है उन क्वेश्चन के बारे में। तो पहला जो क्वेश्चन है, तुजू दर्रा कहाँ स्थित है, इसका आपको आंसर देना है। फिर देखते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। फिर सेवाराय पहाड़िया स्थित है। फिर किस जल डमरू मध्य से, मतलब इसमें से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम एवं फ्रांस को जोड़ती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, तो अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये तो था दोस्तों करंट अफेयर का जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट करना ना भूले, ताकि पता चले कि आपको वीडियो पसंद आया है नहीं पसंद आया है। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।